इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 12 और सर्कुलर मोशन का पार्ट 3। ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर नंबर 11 के अंदर सर्कुलर मोशन के अंदर चार टाइप के एसिलेशन एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों के कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, यानी अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, देखो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर यानी सर्कुलर मोशन के पार्ट 2 के अंदर एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई एम मास की बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ठीक है, यानी ये सर्कल है और कोई बॉडी, ये इसका सेंटर, ये इसकी रेडियस r, ठीक है, और कोई एम मास की बॉडी इस सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर वो क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी से मेरा मतलब क्या है, उसकी डायरेक्शन, ठीक है, यानी अगर वो इस पॉइंट पर आ जाएगा तो उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, अगर वो इस पॉइंट की बात करूं मैं डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी, मतलब हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, चेंज, वेग, अगर वो चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से यहां क्या जनरेट होगा, एक्सेलरेशन, क्या जनरेट होगा, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा यानी त्वरण में, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, त्वरण, कौन सा एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी अभिकेंद्रीय त्वरण। तो मैंने बताया था जो ऑब्जेक्ट एम मास का इस सर्कल के अंदर घूम रहा है तो उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है वो कहां लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, टुवर्ड्स सेंटर, उसकी डायरेक्शन होती है, उसे हम बोलते हैं उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसको एसी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये चीज क्लियर है, एक्चुअल में न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम क्या सीखते हैं, हम ये सीखते हैं कि जो फोर्स होता है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में ए होगा उसी डायरेक्शन में ये फोर्स भी होगा, ये बात क्लियर है, जिस डायरेक्शन में ए होगा एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगा। और मैं किसकी बात कर रहा हूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, यानी सेंटर की तरफ लगने वाला है, टुवर्ड्स सेंटर, तो जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम किससे दर्शाते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एफ सी से डिनोट करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। तो जिस डायरेक्शन में एसी होगा उसी डायरेक्शन में एफ सी भी होगा। तो देखो एसी किधर है, टुवर्ड्स सेंटर, तो एफ सी भी किधर लगेगा, टुवर्ड्स सेंटर, यानी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगा, ठीक। दूसरी बात, एक्चुअल में अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही है, ठीक है, चक्कर लगा रही है, सर्कल पाथ में मूव कर रही है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही वो उस पाथ के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक। अब देखो हमने क्या सीखा था कि ये यहां से अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो ये हो जाता है एम ए सी, तो ए सी का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वी स्क्वायर बाई आर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, एम बी स्क्वायर बाई आर, क्लियर है। तो सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होता है किसी सर्कुलर पाथ में उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर, और वी की मैंने आपको वैल्यू बताई थी वी बराबर आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन में। तो वी की जगह यहां पुट करेंगे हम तो क्या निकल के आ जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, और आर से आर खत्म, तो क्या बचा, एम आर ओमेगा स्क्वायर।
तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले निकल के आ गए, एक तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, और एक क्या निकल के आ गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और इतना पता होना चाहिए जिस डायरेक्शन में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा। ठीक, देखो दूसरी चीज, अगर मान के चलो मेरे पास कोई स्ट्रिंग है यानी रस्सी है, ये देखो एक रस्सी है, और इस रस्सी से मैंने एम मास का एक ऑब्जेक्ट लटका दिया और उस ऑब्जेक्ट को मैं इस तरीके से रोटेट करा रहा हूं, इस तरीके से घूम रहा है वो सर्कुलर पाथ में, तो उस रस्सी के अंदर सेंटर की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ एक खिंचाव पैदा होगा, एक तनाव पैदा होगा। ठीक है, देखो अगर फील करो, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो उस रस्सी के अंदर एक खिंचाव पैदा होता है, यानी वो टेंशन लगती है, तो जो सेंटर की तरफ क्या लगेगा, एक टेंशन जनरेट होगा। एक्चुअल में ये जो टेंशन होता है यानी खिंचाव जो होता है, तनाव जो होता है, वो टेंशन किसके बराबर होता है, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो उस फोर्स की वैल्यू कितनी बताई मैंने आपको अभी, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और एक क्या बताई, एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, ये बात क्लियर है। यहां से लेकिन एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन देखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज्ड बाय 0.1% देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सवाल में हमें गिवन है, सवाल में हमें डाटा दे रखा है कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है पार्टिकल की कितने से, 0.1% से। हमसे क्या निकलवा रहा है, परसेंटेज चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, ये हमसे निकलवा रहा है। तो देखो पहले जो इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 0.1%। यानी इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी वाई वी इंटू 100%, और इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1%। तो ये बात पहले समझो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, 0.1% बढ़ रही है उसकी वेलोसिटी, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इंटू 100%, इस बात का मतलब कितना है, 0.1%। ठीक है, और हमसे क्या निकलवा रहा है, परसेंटेज चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसको भी कैसे लिखेंगे हम, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, डेल्टा एफ सी अपॉन एफ सी इंटू 100%, इसको इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर, अब देखो हमें दो चीज दे रखी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ सी बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर, अब देखो हमें सवाल में जो डाटा गिवन है हमें उससे ही मतलब रखना है सिर्फ और सिर्फ, और हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये दे रखा है कि उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है 0.1%, और हमें क्या दे रखा है, मास और आर, ये तो कांस्टेंट रहेंगे, पार्टिकल की मास और सर्कल की रेडियस कांस्टेंट रहेंगे, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं रखना। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वी स्क्वायर के, ये बात क्लियर है। और देखो एफ सी को मैं कैसे लिख सकता हूं, डेल्टा एफ सी अपॉन एफ सी इंटू 100% बराबर, देखो ये वी स्क्वायर, एक्चुअल में परसेंटेज एरर जब हम पढ़ते हैं तो वहां ये बात पता होती है, जब परसेंटेज एरर वगैरह हम निकालते हैं तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। ठीक है, तो पावर में दो है तो दो आगे आ जाएगा, और दो आगे आ जाएगा तो बचा बी, और बी को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100%। अब देखो आप इस पूरे की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.1%, तो मैं दो का मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.1% से, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 0.2%। ठीक है, तो कितना उसके सेंट्रीपिटल फोर्स में चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज आएगा, तो वो आएगा 0.2%। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। जैसे मैं आपको एक और सवाल दूं यहां कि इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 0.01%, ठीक है, तो देन परसेंट इन देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स। और भी डिफरेंट लेवल के सवाल बनते हैं कि इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 200%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर,
तो ये टाइप के सवाल आपको करने हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। और आपको मेरा एक लेक्चर आएगा इस सर्कुलर मोशन का, ये तो है लेक्चर नंबर 3, यानी सर्कुलर मोशन का पार्ट 3। पार्ट 4 में भी थ्योरी आएगी, पार्ट 5 के अंदर, यानी सर्कुलर मोशन के पार्ट 5 के अंदर आपको इस तरीके के डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि नेवी, डबल SSR और एयरफोर्स पूछता है। ठीक है, तो मैं यहां आपको एक टाइप करा दिया हूं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो वो वीडियो आपको जरूर देखनी है, क्योंकि उसमें मैं आपके डिफरेंट डिफरेंट लेवल के यहां से क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक, ये नोट करो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, यानी अपकेंद्रीय बल। एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम स्यूडो फोर्स कहते हैं, यानी स्यूडो फोर्स का मतलब होता है झूठा बल, यानी जो कि एक्चुअल में रियल नहीं है, धोखेबाज बल बोल सकते हैं हम, यानी जो बल रियल नहीं है, इमेजनरी है। ठीक, तो एक यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। ठीक है, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स का मतलब क्या है कि झूठा बल, यानी एक ऐसा बल जो रियल में नहीं है, इमेजनरी है। कैसा? ये इमेजनरी फोर्स। ठीक है, इमेजनरी फोर्स रियल में नहीं है। अब होता क्या है स्यूडो फोर्स, वो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उससे पहले आप देखो कि स्यूडो फोर्स होता कितने टाइप का है। ठीक, तो देखो, स्यूडो फोर्स एक्चुअल में दो टाइप का होता है। पहला पहला इनर्शियल फोर्स, इनर्शियल फोर्स इसको बोलते हैं हम जड़त्वीय बल। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फोर्स, नॉन इनर्शियल फोर्स इसको बोलते हैं हम अजड़त्वीय बल, अजड़त्वीय बल। ठीक है, तो दो टाइप का स्यूडो फोर्स, दो टाइप का होता है, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। अब इसका मीनिंग क्या है? इनर्शियल फोर्स का मीनिंग है कि जिस बॉडी का एसेलेशन जीरो हो। एसेलेशन जीरो होने से मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट। ऐसे फोर्स को हम इनर्शियल फोर्स कहते हैं। ठीक है, नॉन इनर्शियल फोर्स का मतलब क्या है कि उस बॉडी का एसेलेशन जीरो ना हो। एसेलेशन जीरो ना हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो बॉडी एसेलेटेड हो। एसेलेट होने का मीनिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था। एसेलेटेड होने का मीनिंग है कि उस बॉडी की स्पीड यानी वेलोसिटी बढ़ रही हो। तो मैं बोल सकता हूं वो बॉडी कैसी आ रही हो? एसेलरेटेड, 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 यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो रही हो? इंक्रीज। इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फोर्स। ठीक है, एक्चुअल में नॉन इनर्शियल फोर्स के अंदर ही क्या आता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्यूडो फोर्स दो टाइप का होता है, इनर्शियल फोर्स, नॉन इनर्शियल फोर्स, और नॉन इनर्शियल फोर्स के अंदर ही काउंट किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है, वो ध्यान से समझो। देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक रस्सी है इस तरीके से। ठीक है, और इस रस्सी से एक एम मास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक ह्यूमन बीइंग खड़ा हुआ है इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से खड़ा हुआ है, बहुत छोटा सा इसके ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, और यहां से ये इसको पकड़ रखा है रस्सी को, और इस रस्सी को मैं गोल गोल घुमा रहा हूं इस तरीके से, इस तरीके से पकड़ के। इस एम मास के ऑब्जेक्ट पे एक इंसान है बहुत छोटा सा, और इसको घुमा रहा हूं इस तरीके से। तो तुमने देखा, एक फील किया चीज कि जब वो रोटेट होगा तो ऐसा लगता है हम बाहर की तरफ गिरने वाले हैं, ऐसा होता है ना फील? अगर हम उस रस्सी से हमें कोई गोल गोल घुमा रहा है तो हमको ऐसा फील होता है कि हम बाहर गिरने वाले हैं, लेकिन गिरते नहीं है। ठीक है ना, तो हमको जो फील हुआ ना फोर्स के हम बाहर गिरने वाले हैं, उस फोर्स को ही हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो फोर्स। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्यूडो फोर्स। लेकिन हम गिरते नहीं है, पता है क्यों नहीं गिरते? इसलिए नहीं गिरते क्योंकि अंदर भी एक फोर्स लग रहा होता है, जिसको मैंने क्या बताया था? सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए हम गिरते नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात देखो कि मान के चलो कोई ऑब्जर्व है रहा है, यानी इस तरीके से सर्कुलर में मूव करने लगेगा। ठीक है, मान के चलो एक ऑब्जर्वर है, और इस इंसान का नाम तो ए है, और एक ऑब्जर्वर है,
यानी इसको देखने वाला, और ऑब्जर्वर को मैं बोल रहा हूं बी, ठीक है। अब वो इंसान इसको बाहर से देख रहा है, इसको जो एम मास का ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो इंसान है, अब ये घूम रहा है इस तरीके से, तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि ये सर्कल में घूम रहा है इस तरीके से, तो इस पर अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटीपीटल फोर्स। इसको तो यही फील होगा, लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर बी यहां आ जाए इसी के पास, इसी एम मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाए यहां, अब इसको क्या फील होगा, अब इसको फील होगा कि ये भी इसके साथ घूम रहा है इसमें, और इसके साथ घूम रहा है तो इसको भी क्या फील होगा कि ये भी बाहर की तरफ गिरने वाला है, यानी इसको अब क्या फील होगा कि यहां क्या फोर्स जनरेट होगा, सूडो फोर्स जनरेट होगा। तो बात क्लियर है, बाहर से देखने वाले इंसान को कभी फील नहीं होगा कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसको तो यही फील होगा कि सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन वो इंसान उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी उस रोटेशनल मोशन के फ्रेम में बैठा हुआ है, तभी उसको फील होगा कि जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी जो स्यूडो फोर्स है, वो वहां एक्सपीरियंस हो रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट बात, एक जो चीज क्लियर हो चुकी है कि कोई ऑब्जर्वर अगर बाहर से हमें देख रहा है, अगर हम मूव कर रहे हैं, यानी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है, वो रेस्ट में है, इस तरीके से रेस्ट में है, ये सिंपल देख रहा है, ये किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मेरा मीनिंग क्या है, रोटेशनली फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है, जबकि ये बॉडी मूव कर रही है तो रोटेशनली फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अगर ये यहां आ जाए और रोटेट करने लगे, तो अब इसे बोलेंगे हम रोटेशनली फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब ये रेस्ट में है, ठीक है। तो अगर ये यहां आ जाए तो अब इसको फील होगा कि ये भी बाहर की तरफ गिरने वाला है, ए और बी, तब इसको फील होगा कि यहां जो फोर्स जनरेट होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। लेकिन यही अगर बाहर है रेस्ट में, तो उसको ऐसा फील होगा कि इस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर बात है? तो एक्चुअल में इसे हम बोलते हैं सूडो फोर्स, ये होता है आपका सूडो फोर्स। इसके एग्जाम्पल होते हैं सूडो फोर्स के, जनरली जब मथानी चलाते हैं तो जो उसके अंदर से क्रीम होती है, ठीक है, दूध में उसमें से जो क्रीम होती है वो बाहर की तरफ निकलती है, बाहर की तरफ, तो ये भी एक फेमस एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं सेप इसका एग्जांपल है, वो सेपरेट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क, ठीक है। दूध से जब क्रीम बाहर निकालते हैं तो ये किसका एग्जांपल आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल आता है। और इसको ध्यान से ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसे हम बोल रहे हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी स्यूडो फोर्स, इसकी वैल्यू होती है माइनस एम ए के बराबर, और ए कौन सा, ए सी, ठीक है। तो देखो ए सी मतलब जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है उससे जस्ट बाहर की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू कितनी थी, माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इस पर एक जो फोर्स लग रहा है यानी जो स्यूडो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसका फॉर्मूला कितना होता है, माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस आर ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसमें माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, सिर्फ ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो ये आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब इस वीडियो में आपको मैं इतना ही कराऊंगा, इसके बाद में आपको दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं सर्कुलर मोशन के अंदर। एक तो बचा है बैंकिंग ऑफ रोड, रोड झुके हुए क्यों होते हैं, एक तो ये, दूसरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, ये भी मुझे आपको कराना है। तो दो कॉन्सेप्ट मैं आपको इसके बाद सर्कुलर मोशन के पार्ट नंबर 4 के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और उसके बाद आपकी थ्योरी फिनिश हो जाएगी पार्ट 4 के अंदर, उसके बाद आपका आएगा सर्कुलर मोशन पार्ट 5, और उसके अंदर मैं आपको इसकी कंप्लीट जितने भी पार्ट कराए हैं मैंने उन सभी पर बेस कॉन्सेप्चुअल और थ्योरिटिकल क्वेश्चंस मैं उस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो तब तक वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।